सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 8 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवात्मा अपना मित्र भी स्वयं है तो अपना शत्रु भी स्वयं है। अब ये मित्र और शत्रु कब है ये भी स्पष्ट किया गया है। जब जीवात्मा सकारात्मक सशक्त शुद्ध शुभ चिंतन करती है तथा स्वयं में दैवी गुणों को धारण करती है और अपने कर्मों के द्वारा उसका प्रगटीकरण करती है तब वह स्वयं का मित्र है। और इसके विपरीत जो नकारात्मक निम्न कोटि के विचार राग द्वेष से पूर्ण ऐसे ही आत्मा है जो दुर्योधन दुशासन रावण अथवा असुरों जैसा चिंतन करती है तो अपना शत्रु भी स्वयं बन जाती है। हम सबकी ये स्पिरिचुअल वार है, एक युद्ध है, इन्हीं शत्रुओं के साथ हमारा युद्ध है। भगवान शिव कहते हैं रावण दुर्योधन दुशासन जैसी वृत्तियां ही तुम्हारी दीर्घकालिक शत्रु हैं। देखिए बाह्य युद्धों में तो इंसान एक बार मरता है परंतु भीतर के संघर्ष में आसुरी और दैवी द्वंद्वात्मक युद्ध में इंसान क्षणे क्षणे मरता है, क्षणे क्षणे जीता है। उसकी कभी विजय होती है तो कभी पराजय होती है। सचमुच ये बहुत ही दुष्कर और खौफनाक युद्ध है। इस कौरवी आसुरी वृत्तियों के चक्रव्यूह से अभिमन्यु रूपी आत्मा को भला कौन बचा सकता है? बस वही केवल सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, वही इसे भेदन का रास्ता बता सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं जितना हो सके तो मुझ परम पिता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग लगाओ। जब तुम मुझे याद करेंगे, अपना साथी बनाएंगे तो इस द्वंद्वात्मक चक्रव्यूह से तुम बाहर निकल जाओगे और तुम्हारी अंतस चेतना ईश्वर उन्मुख हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊर्ध्वरेता हो जाएगी। परिणाम स्वरूप तुम निष्पाप होकर पावन हो जाओगे क्योंकि योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की जो कामना है, जो तमन्ना है, जिसके लिए तुम इतना पुरुषार्थ और प्रयास करते हो वो पूर्ण हो जाएगी। अर्थात तुम सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा इस शरीर से तथा पुरानी पतित दुनिया से ममत्व निकल जाएगा। अब तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बस इतना ही कर्तव्य है कि जो भी आत्माएं काम चिता पर बैठी हैं उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाओ। तभी तो आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुख शांति और समृद्धि का वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए
उन्हें पवित्रता का वरदान दो, उस पावनता के मार्ग पर हाथ पकड़कर उन्हें ले चलो। आज का वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा, महान आत्मा बनने के लिए सबसे बड़ी ते बड़ी अगर कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिफिकेशन है, तो वो है पवित्रता। देखिए, एक साधारण आत्मा भी जब पावनता को धारण कर लेती है तो क्या होता है, वो महान बन जाती है, वो दिव्य बन जाती है, वो पूजनीय बन जाती है। पवित्रता अर्थात अपने मूल स्वरूप में स्थित। जब आत्मा अपने नैसर्गिक रूप को भूल स्वयं को देह समझने लगती है तो आत्मा अपने पावन स्वरूप से नीचे गिर जाती है और विषय विकारों की दास बन जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। देवी देवताओं अथवा साधु संत महात्माओं का सम्मान या पूजन इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों का संयम किया है। वो स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण है उनकी पवित्रता का तो गायन बहुत ज्यादा है, इसलिए कलयुग के अंत तक भी जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो ब्राह्मणों से ही कराया जाता है। वैसे तो इस दुनिया में नामधारी ब्राह्मण भी बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा, आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली आत्मा है, यथा नामा तथा गुणा, विशेष आत्माएं हो, तुम विशिष्ट आत्माएं हो। साधारण कर्म भी जब सोल कॉन्शियस होकर प्रभु पिता की याद में करते हैं वे कर्म भी विशेष हो जाता है। जैसे कि जब सेवाधारी मंदिर के अंदर या गुरुद्वारे में साधारण कार्य करते हैं, मान लो झाड़ू भी लगाते हैं, तो वो कर्म भी विशेष हो जाता है। और वही कर्म जब प्रभु विस्मृति में किया जाता है तो वो कर्म कैसा होता है? प्रभु विस्मृति में किया जाता है वो कर्म साधारण हो जाता है, लेकिन अगर परमपिता परमात्मा की याद में किया जाए तो वो अलौकिक बन जाता है। इससे ही सिद्ध होता है कि प्रभु स्मृति से हर साधारण कार्य भी विशेष बन जाता है, उत्कृष्ट बन जाता है, महान बन जाता है, सेवा की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी विशेष कार्य करने वाली आप पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। कुछ पवित्रता के इस भाव को विशेष रूप में दर्शाता हुआ एक छोटा सा गीत है। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, मंजिल पर पहुंचाना है।
मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो, सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है, हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, मंजिल पर पहुंचाना है, मंजिल पर पहुंचाना है। आज का स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं को सुखदेव और सुखमणि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।